इतना बड़ा इसका साइज है। बेबी से बुलडॉग बनाया फिर साले ने जात दिखाया। इसी तरह तरह तोड़ता मैं तरह तोड़ बात मुझे घर पे डॉग्स लाने नहीं देते लेकिन मैं स्ट्रे डॉग्स को ही थोड़ा सा प्यार व्यार कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था कि 1,00,000 सब्सक्राइबर के बाद हम नया कंटेंट डालेंगे, व्लॉग्स और मेनली पर्सनल डेवलपमेंट में कंटेंट डालेंगे, तो वो ऐसी वीडियो है। मेनली कंटेंट फिटनेस ही रहेगा लेकिन ये भी आता रहेगा। ये है हमारी सवारी, नंबर शो कर सकते हैं, कोई चक्कर तो नहीं? नंबर एंड नंबर से क्या होता है, नंबर से क्या होता है? Guys, we have reached the location. As you can see, बाहर ही बहुत लोग खड़े हैं, डॉग्स जो बेचते हैं या खरीदते हैं या वैसे ही डॉग शो के लिए लेके आए हैं। अगर ये पोमेरियन है, कितना चिर था? महीने भाई। ब्रो उसी पार्टिसिपेट करने लेके आए हो? बेचने वास्ते? कितना चिर था ये? एक ही साल। की कॉस्ट है ये? ये अपना 500 गया ये। सो गाइस दिस इज बीगल, इसकी कितनी कॉस्ट है? 15,000। एज कितनी होनी? 45 डेज। इदी जे अपन कह लिए की स्पेशलिटी हुंदी है बाकी जमे लेब्रे दे मुकाबले, मतलब ये स्मेलिंग डॉग भी हैगा। अच्छा स्लीपर है ना? हां स्लीपर रहेगा। अच्छा ये स्लीप प्ले फुल अप बहुत ठीक है, तो ज्यादा एक्टिव हुंदे ने मतलब लैब्राडोर नो? हां वो तो साला स्लो एंड स्टडी हैगा। माय गॉड व्हाट काइंड ऑफ डॉग इज दैट? लेट अस आस्क द ओनर्स व्हाट काइंड ऑफ डॉग इज दैट। गोल्डी भाजी केरा डॉग है? टिबेटन मैस्टिफ भाई, अग्रेसिव है सर। टिबेटन मैस्टिफ अग्रेसिव है? सर ने बोल दिया अग्रेसिव है, थोड़ा दूर ही हो जाते हैं। Is the price? सेल ही है गाई। अच्छा बच्चा मिल जाएगा। बच्चे दी कॉस्ट? बच्चा मिल जाएगा 1,00,000 रुपए दा मेल दी। अच्छा गाइस एक्चुअली में बोलते हैं ना वो जो शेर जैसा कुत्ता होता है कोई बोलते हैं शेर, वैसा ही है ये। मतलब कैमरा में तो इतना बड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको शायद, लेकिन सामने से ये बहुत बड़ा है। ये डाइट की है भाजी? टोटल किलो चिकन दिन दा? स्मेल करके छोड़ दो। ओके स्मेल कर ले भरा। ए ले मेरी जेब च ना पेडिग्री पिया है, तो नहीं कर रहा स्मेल? ना पेडिग्री खांदा नहीं। खांदा नहीं? डॉग फूड नहीं खाता। गाइस हिज नेम इज रैम्बो एंड ही इज आल्सो फॉर सेल इज पिटबुल। क्या प्राइस है इसका? 15,000। लेट्स सर ने बोला कि पेडिग्री नहीं खाता है, ट्राई करते हैं, ठीक है? कर ले ट्राई। कर लो भाजी, देखते हैं करके खांदा कि नहीं खांदा। आ लो जी पेडिग्री हैगी अपने को, हाथ चला दा? खिला दो खिला दो जी, चकदा नहीं मारू? नहीं नहीं रैम्बो। अरे खा गया यार देख ले मेरे, तुसी कहंदे खाना नहीं मेरे डॉग फूड असियां नु दित्ता नहीं वैसे, पर देख लो खा गया ना चिकन हुंदा जे माड़ा मोटा। असी नु प्योर वेज वेज नॉन वेज भी दित्ता कदी? अच्छा नॉन वेज भी दित्ता? नहीं प्योर वेज रखे। समझ गया समझ गया, आज इदा धर्म टूट गया वीरे भाई, तुसी धर्म धर्म तोड़ता। मैं धर्म तोड़ बात सब्सक्राइबर ऐसी गल होती की? हां ठीक हो किदा पेज टूटा वीरे? मैं समझ गया। हां की नाम है तुम्हारा? जसप्रीत सिंह सर। और ये हमारे सब्सक्राइबर भी मिल गए हैं यहां पे, ये अफगान हाउंड। अफगान हाउंड आपने देखा होगा सेलिब्रिटी में, इस डॉग्स के काफ़ी मीम्स भी बनते हैं, जब किसी लड़की या लड़के के लंबे बाल होते हैं इसके साथ कंपेयर कर देते हैं उसको मीम्स में। भाई इसका फेस बहुत बड़ा है। Say hi to subscribers. He is not interested in you, don't disturb him. He is interested in camera, I guess. His face is so big guys. Hello. तो इनका नाम है, क्या नाम है भाजी का? मिनपिन है। मिनपिन सर बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है, सबको काटने को दौड़ता है। हाँ जी सर। हाँ जी
मतलब है छोटा साइज का लेकिन अंदर से बम है, मतलब ये अडल्ट डॉग है इतना ही रहता है। तो गाइस वी मेट अनदर सब्सक्राइबर्स, इनका भी डॉग का चैनल है, इन्होंने मुझे बताया। क्या चैनल है आपका? हमारा चैनल है बोला शोला। ये डॉग्स के लिए भी सप्लीमेंट आते हैं क्या? हां ये डॉग्स के लिए सप्लीमेंट आते हैं। अरे बाप रे, बॉडी के अंदर डॉग के लिए? ठीक है, लेकिन सर सप्लीमेंट्स के बिना बॉडी बन जाती है क्या? सप्लीमेंट के एक स्टेज होती है जहां आपको सप्लीमेंट चाहिए होता है। इसका भी रिव्यू करेंगे कभी, बॉडी के अंदर फॉर डॉग्स। हाय हाय ओरियो। तो गाइस यहाँ पे चेक करते हैं कि कौन सा बेस्ट डॉग है हर वैरायटी में से। उसके दांत चेक किए जाते हैं, उसका हेयर क्वालिटी चेक की जाती है, उसके बाद उसको बेस्ट डॉग अवार्ड दिया जाता है। सो दिस इज़ अ गोल्डन रिट्रीवर डॉग। एंड सर कंपटीशन में क्या करना है इनको? दे आर जस्ट सीइंग द कंडीशन ऑफ द डॉग, ओके, देयर फिगर, हाउ दे रन, हां हां, एंड देयर ग्रोथ बेसिकली, देयर ग्रोथ। सो दे टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे लुक and how they run, how they run and their physique. Okay, hello, all right guys, this is Sand Bernard, quite huge dog. He died a half kg chicken, he's not a vegan dog, okay। सो गाइस जो यहाँ पे कंपटीशन होते हैं, पहले हर एक डॉग की अपनी कैटेगरी में होता है, उसके बाद जो जीतता है हर कैटेगरी में उसका एंड में सब कैटेगरी वाले डॉग्स के साथ कंपटीशन किया जाता है। तो टोटल में से एक बेस्ट डॉग चुना जाता है। फैमिली डॉग है जी, छोटे बच्चों के नाल भी घुल मिल जाता। अच्छा है ना? अच्छा, अपने तुम होम के आराम ने पाल सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। गाइस डॉग शो में ये बिल्ली क्या कर रही है? लेट्स आस्क देम। पाजी केड़ी वैरायटी है? ए पर्शियन कैट है। पर्शियन कैट, ओके। ए फ्रेंडली हुंदी है कि मैं अग्रेसिव हुंदी है? नहीं हुंदे वैसे फ्रेंडली होने, आपा छेड़खानी करेंगे फिर तो अपना रूप दिखाऊंगा ही है। Guys, this is American Hakita, as the owner says ki he is a very rare dog. Cane Corso, 1 lakh is the average cost. And diet? Diet khanda hai kilo ji. Sir, ye Tibetan Mastiff hoga, right? Shamshir. शमशेर। इसका नाम है शमशेर और वाकई ये शेर जैसा दिखता है, इतना बड़ा इसका साइज है। जस्ट मेरे ऊपर आने की कोशिश की लेकिन बच गया, शायद कैमरे से डर गया होगा। सो गाइस दिस इज फ्रेंच मैस्टिफ एंड ये जो होता है पीछे हमने तिब्बतन मास्टिफ देखा था उससे थोड़ा कम साइज होता है। क्या नाम है? ब्रूजल। ब्रूजल, ब्रूजल। ये मेरा पहली बार किसी डॉग शो में जाना था, बहुत अच्छा शो लगा मुझे, लेकिन सिर्फ एक चीज़ कि ये डॉग्स की खरीदो फरोख्त में हम ये ना भूल जाएं कि देयर आर स्ट्रे डॉग्स एज वेल, हम उनको भी अडॉप्ट कर सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि वो बुरे होते हैं। अगर आप डॉग्स से कंपटीशन करवाना चाहते हैं या कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए डॉग ले रहे हैं तो डेफिनेटली जो ब्रीडिंग में डॉग पैदा होते हैं दोज आर फाइन फ्रॉम चैम्पियन लाइन एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बट अगर आपको सिर्फ प्यार करना है उसके लिए डॉग्स चाहिए तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि आप घर के आसपास स्ट्रे डॉग्स को अडॉप्ट करके ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। मुझे पर्सनली घर पे डॉग रखना मेरे घर वालों को पसंद नहीं है इसलिए मैं लेके नहीं आता, लेकिन इसी यही प्यार को मैं बाहर वाले जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको दे देता हूँ। एंड एट द सेम टाइम वन रिक्वेस्ट आई लाइक टू मेक कि प्लीज़ जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको ऐसे पत्थर मत मारें या वैसे स्टिक से मत मारें, बिकॉज कुछ लोग मैंने देखा है खुद डॉग पालते हैं फिर भी अगर सड़क पे गुजर रहे होते हैं तो स्ट्रे डॉग्स को वो मारने लग जाते हैं बिकॉज उनका कुत्ता उस पर भौंक रहा होता है। तो ये कैसा किस तरह का डॉग लव है आपका, मुझे ये समझ में नहीं आता, मेरी समझ के तो बाहर है। तो प्लीज़ ऐसा मत करें, उन्हें हार्म ना करें जस्ट बिकॉज वो स्ट्रे हैं। तो गाइस ये स्ट्रे डॉग मैं काफी दिनों से इसके पास आ रहा हूँ। मिक्सी अच्छा अच्छा, इसको मैं पेडिग्री खिलाता हूँ, बहुत खुश होके खाता है। मिक्सी, मिक्सी, जंप, 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 जंप।